नोकिया 6 को परचेस करने के लिए अब तक के 6 लाख लोगों ने जो वो रजिस्टर कर लिए हैं। एसेंशियल FIH PM1 कुड बी द बेस्ट स्मार्टफोन ऑफ 2017। लिनोवो ज़ूक Z2 प्लस स्नैपड्रैगन 820 प्रोसेसर वाला ये फोन अब और भी चीप हो चुका है। और फाइनली सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 की प्रेस इवेंट डेट सामने आ चुकी है। हेलो एवरीवन, दिस इज रुहेश एंड लेट्स स्टार्ट विद आवर डेली टेक न्यूज। तो पहली खबर में आप लोगों को बता रहे थे कि नोकिया 6 फर्स्ट एंड्रॉइड ऑपरेटिंग स्मार्टफोन फ्रॉम नोकिया जो कि चाइना के अंदर अभी रिसेंटली उन्होंने जो वो लॉन्च किया है JD.com चाइना की वेबसाइट के जरिए, और लॉन्च होते ही विद इन 24 आवर्स 2.5 लाख लोगों ने उसके लिए जो रजिस्टर कर लिया था उसको परचेस करने के लिए। ये हमें बताया January 19 को जो फ्लैश सेल पे जाने वाला ये फोन, अभी तक बताया जा रहा है 6 लाख लोगों ने जो उसको रजिस्टर कर लिया है परचेस करने के लिए, अभी तक का सबसे हाईएस्ट फिगर है। और अभी तक ऐसे कोई फोन इतने लोगों ने रजिस्टर नहीं किए थे एक फोन खरीदने के लिए जो कि नोकिया 6 में लोगों ने किए। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा, हालांकि जैसे कि हमें पता है कि नोकिया 6 में कुछ नया नहीं है, लेकिन नया यह है कि नोकिया का जो ब्रांड है और वो लेजेंड है, सिर्फ यही खरीदने के लिए लोग जो फोन ले रहे हैं और बाकी सब कुछ उसके अंदर में जो सिमिलर है सेम मिलता है। लेकिन अब मैं एक ही चीज कहूंगा कि नोकिया के लवर्स जो है वो आज भी मौजूद है, हम भी मौजूद है। नोकिया के MWC 2017 के अंदर जब नोकिया के दूसरे फोन्स लॉन्च होंगे, मैं उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ कि वहां पे नोकिया कैसे कैसे टाइप के फोन्स लॉन्च करता है, उसकी प्राइसिंग क्या रखता है और इंडियन मार्केट में ये कब आता है। और जैसे ही इंडियन मार्केट में आएगा तो मैं आप लोगों को जरूर से नोकिया के फोन के रिव्यू जो वो देने वाला हूँ। लिनोवो ज़ूक Z2 प्लस लास्ट ईयर September 2016 में लिनोवो ने अपना चीपेस्ट स्नैपड्रैगन 820 वाला प्रोसेसर जो है वो लॉन्च किया था, जिसकी प्राइसिंग 20,000 रुपीज रखी थी 4GB रैम के लिए और 18,000 रुपीज रखी थी 3GB रैम के लिए। अब यहाँ पे लिनोवो ने इसकी प्राइस और भी स्लैश कर दी है और यहाँ पे आपको अब 3GB वेरियंट वाला जो फोन है लिनोवो ज़ूक Z2 प्लस का सिर्फ 15,000 रुपीज में मिल सकता है। जी हाँ, और जो इसका 4GB वाला है वो 17,500 यानी कि 17,500 रुपीज में। अभी तक फिर से ये जो वन ऑफ द चीपेस्ट स्नैपड्रैगन 820 प्रोसेसर वाला फोन बन गया है। अगर आपको परचेस करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने इसकी लिंक दिया हूं, आप जा सकते हैं। मेरे हिसाब से बेस्ट फोन है, रिमेनिंग स्पेसिफिकेशंस भी इसकी बहुत अच्छी है। तो अगर आपको स्नैपड्रैगन 820 वाला प्रोसेसर चाहिए, आपके बजट 15,000 रुपीज की है, तो आप ये फोन जो है खरीद सकते हैं। अमेजोन के ऊपर ग्रेट इंडियन सेल जो वो फिर से आ चुका है, यानी कि 20 जनवरी से 22 जनवरी तक अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है अमेजोन पे, तो आप जो भारी से भारी डिस्काउंट में जो वो खरीद सकते हैं। तो जब ये सेल आएगा उस दिन आपको डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके जो वो सेल कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। साथ में यहाँ पे अमेजोन ने जो 7,500 जॉब्स निकाले सिर्फ इस दिन के लिए, इस 3 दिन के लिए, यानी कि वो 7,500 लोगों को हायर कर रहे हैं इसलिए क्योंकि जो डिलीवरीज हो एकदम से स्मूथ हो। जी हाँ, तो यहाँ पे इंडिया के अंदर अभी फिलहाल के लिए जो वो लोग को ट्रेनिंग चालू है और यहाँ पे उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा उनकी ट्रेनिंग, तो 3 दिन में आप लोग जो भी प्रोडक्ट ऑर्डर करेंगे आपको फटाफट से आपके प्रोडक्ट जो वो मिल जाएगी। सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 की फाइनली प्रेस इवेंट डेट जो सामने आ चुकी है, यानी कि 23 जनवरी को सैमसंग जो है वो ऑफिशियली अनाउंस करेगा कि उनके सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 के एक्सप्लोजन का रीजन एक्चुअली में जो क्या है। लेकिन फिर से अंदर की तरफ से खबर आ गई है और बताया जा रहा है कि सैमसंग यही बताएगा कि उनकी जो बैटरी थी वही सबसे बड़ा रीजन था जो उसके एक्सप्लोजन का। यहां पे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जो उसकी डिजाइन थी कुछ ज्यादा ही स्लिम बनाने की कोशिश किए थे और जो बैटरी थी उसमें प्रॉपर फिट नहीं हुई थी, उस हिसाब से फोन जो वो एक्सप्लोड हुआ था। तो कुछ इसी तरीके का सैमसंग जो वो अनाउंस करेगा और फ्यूचर में वहां पे ये भी बताएगा कि आगे से ऐसी गलती नहीं होगी और उनके जो भी स्मार्टफोन्स होंगे उसमें शायद से आपको एक्सप्लोजन वाले सिस्टम कहूंगा देखने को जो वो नहीं मिलेंगे। अब यहां पे आप लोगों को बता देता हूं कि $5.6 बिलियन डॉलर का सैमसंग का जो ये नुकसान हुआ था, क्योंकि सैमसंग नोट 7 में उनको बहुत खर्चा हुआ था क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट बिल्ड स्मार्टफोन्स ऑफ द ईयर था, सैमसंग ने ऐसा बताया था कि उनका ये फोन था। और ये भी है कि सैमसंग नोट 7 जो वो मोस्ट यूज्ड स्मार्टफोन भी बन गया था 2016 का। अगर ये फोन चल जाता था तो मेरे हिसाब से 2016 में एक अच्छा खासा अवार्ड भी लेके जाता था, लेकिन अब क्या करेंगे, हम कहते ना कि बैड लक, तो कुछ ऐसा ही सीन सैमसंग के साथ यहां पे हुआ है। Xiaomi Redmi Note 4 जनवरी 19 को जो वो इंडिया के अंदर लॉन्च होने वाला है और ये फोन को Xiaomi ने ऑलराउंडर का नाम दिया है। जी हाँ, यानी कि रविंद्र जडेजा जो है वो इस फोन को जो वो लॉन्च करेंगे उनके इवेंट में। और रविंद्र जडेजा हमें पता है कि एक ऑलराउंडर बैट्समैन है, सब कुछ करते हैं, बॉलिंग डालते हैं, फील्डिंग भी अच्छी करते हैं। तो यहाँ पे रविंद्र जडेजा को उन्होंने हायर किया इसके लिए और फ्लिपकार्ट पे एक्सक्लूसिवली ये फोन जो वो सोल्ड होगा जनवरी 19 को। Xiaomi Redmi Note 4 की हाइलाइटिंग फीचर ये है कि इसके अंदर हमें जो वो मेटल यूनिबॉडी डिजाइन देखने को मिलेगी इस बार और यहाँ पे हमें जो वो डेकाकोर का प्रोसेसर देखने को मिलेगा। लेकिन ये डेकाकोर का प्रोसेसर अब यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है इंडिया में तो मीडियाटेक के प्रोसेसर के साथ में लॉन्च नहीं होगा, हमें तो वो स्नैपड्रैगन 652 या 53 के साथ में जो फोन देखने को मिल सकता है। आपको पता है रिमेनिंग स्पेसिफिकेशन 5.5 इंच की फुल एचडी की डिस्प्ले होगी, 2.5D ग्लास होगा, 13 का रियर कैमरा होगा, 5 का आपको फ्रंट फेसिंग कैमरा मिलेगा, क्योंकि कुछ इसी स्पेसिफिकेशन से चाइना के अंदर वहां पे लॉन्च हुआ था। लोअर वेरिएंट की प्राइसिंग वहां पे 9,000 रुपीज की थी और हायर की 12,000। देखते हैं कि इंडिया में जनवरी 19 को क्या प्राइसिंग के साथ में जो वो लॉन्च होता है। बात करते हैं एसेंशियल FIH PM1
जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये फोन जो वो 2017 का वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन्स हो सकता है, वो इसलिए क्योंकि एंड्रॉइड के को फाउंडर एंडी रूबिन, हमें तो सिर्फ गूगल का पता है, गूगल का एंड्रॉइड, लेकिन आप लोगों को नहीं पता है एंड्रॉइड के जो को फाउंडर थे एंडी रूबिन, इन्होंने जो वो एंड्रॉइड जो वो बनाया था, उसके बाद गूगल ने 2005 के अंदर इनसे जो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम खरीदा था, उसके बाद से ये 8 साल तक गूगल के साथ में काम करते थे, और साथ में इन्होंने ये सोचा कि अब वो एक नया फोन बनाएंगे जो कि एसेंशियल प्रोडक्ट्स के नाम से जो वो जाना जाएगा। अब ये जो नया फोन बना रहे इनके साथ 40 लोग हैं इनकी टीम के अंदर, जहां पे एप्पल, सैमसंग और गूगल जैसे लोग इनके साथ काम करेंगे। ये बहुत ही एडवांस टीम है, बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं। जब ये लोग मिल जाएंगे और इसके साथ में काम करेंगे तो आप लोगों को पता होगा इसका नतीजा कितना अच्छा होगा। यहां पे एक जो फोन है एसेंशियल FIH PM1 के नाम से जाना जाएगा, जिसके अंदर प्रोजेक्ट एरा भी होगा, यानी कि आप जो वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को यहां पे जो चेंज कर सकते हैं। हार्डवेयर के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो आप अपने फोन की रैम को इंक्रीज कर सकते हैं और प्रोसेसर को भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हमें पीसीज में करने को मिलता है और लैपटॉप में करने को मिलता है। अब आज के फ्यूचर के जो फोन्स हैं कि हमें कुछ इस टाइप के देखने को मिलेंगे, जो कि पॉसिबल है, ऐसा एंडी ने यहाँ पे कहा है। रिमेनिंग स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो बोला जा रहा है कि 5.5 इंच की एजलेस की डिस्प्ले होगी इसके अंदर। अब मुझे पता नहीं है किस टाइप का, अलग टाइप का डिस्प्ले होगा। यहाँ पे स्नैपड्रैगन 835 का प्रोसेसर होगा और 4GB की रैम होगी, क्योंकि प्रीवियसली ये गीक बेंच के ऊपर भी जो वो दिखाया जा रहा था। मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट इनोवेशन थिंकिंग है अगर ये एंडी रूबिन इस साल ये फोन लॉन्च करते हैं, हो सकता है कि जितने भी फोन्स लॉन्च होंगे इस सारे के सारे फोन्स को ये जो पीछे कर देगा। अब आप लोगों को एक बहुत ही अजीब खबर के बारे में बताता हूं। 2016 के अंदर बताया जा रहे थे कि 10 मिलियन से ज्यादा लोगों के अकाउंट्स हैक हुए थे, यानी कि पासवर्ड को क्रैक किया गया था। यहां पे रिसर्चर्स ने बताया है कि जिन लोगों के पासवर्ड क्रैक हुए थे उसमें से मेजॉरिटी ऑफ द मेजॉरिटी, यानी कि मोर देन 80% लोगों के पासवर्ड जो थे वो 123456, जी हाँ, और दूसरा जो था वो 123456789, कुछ इस टाइप के पासवर्ड से जो थे वो अब हैकर्स के हम जैसे लोग भी जो हैक कर सकते हैं। यहाँ पे रिमेनिंग पासवर्ड जो लोगों ने रखे तो वो थे 11111, उसके बाद 123456789012345612312312 और 987, यानी कि रिवर्स में से लेके 1 तक। अब यहाँ पे अगर इस तरीके के पासवर्ड रखेंगे तो 10 मिलियन का 20 क्या 30 मिलियन भी हो सकता है कि लोग इसको जो वो हैक कर दे। तो आप लोगों को भी याद रखना, जब भी आप कुछ पासवर्ड रखें तो एकदम यूनिक रखिए और कॉपी पेस्ट करके कहीं पे रख दीजिए। ऐसा पासवर्ड रखिए कि जो आपको भी याद ना हो, आप जब उस डॉक्यूमेंट्स को देखें तो आपको याद रखे कि आपका ये पासवर्ड है, तो शायद से फिर आपके अकाउंट जो हैक नहीं होंगे। तो आज की टेक न्यूज़ यहीं पे खत्म होती है और उम्मीद करता हूं आपको आज की टेक न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको टेक न्यूज़ मेरी हमेशा से पसंद आती है तो जरूर से लाइक करिए, शेयर भी कर दीजिए, और बस क्या, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए और इसी तरीके से मुझे मोटिवेट करते रहिए। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।